हमारे ABCDEF चैनल में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से साबूदाना की खीर बनाएं। साबूदाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें साबूदाना चाहिए। ये साबूदाना हमने करीब 12 घंटे भिगो के रखा हुआ है। जितना आप साबूदाना लें उसका डबल दूध, कटी हुई बादाम, इलायची पाउडर, अखरोट कटा हुआ, गरी कटी हुई और किशमिश और चीनी स्वाद अनुसार। साबूदाना खीर बनाने के लिए जो मुख्य सामान है वो साबूदाना, दूध और चीनी। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें ले भी सकते हैं, आपका इच्छा है, और ना भी लें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साबूदाना की खीर कैसे बनाएं। गैस पर बर्तन को रख दें और उसमें दूध डाल दें। दूध हमारा अच्छी तरह से अब ये गर्म हो गया है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर एक थोड़ा सा डालेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद इसमें हम साबूदाना जो भीगा हुआ है हमारा, मैं आपको ये बताता हूँ कि साबूदाना आप जितना लें उसका डबल या ढाई गुना आपको दूध लेना है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसको आप चलाते रहें, आपको इसको रोकना नहीं है, बीच बीच में आप चलाते रहिए इसको। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गई हैं। अब इसको हम ये चेक कैसे करेंगे कि ये पक गया है। एक दाना हम लेंगे और इसको नीचे रख देंगे। ये कि इस दाने को लेके आपको थोड़ा सा ऐसे दबाना है और ये देखिए पूरा है ना पक गया है। करीब 5 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और ये दाना पूरी तरह से पक गया। अब इसमें स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हम बाकी सामान इसमें हम डालेंगे। अब इसमें हम किशमिश डालेंगे, बारीक कटी हुई गरी, बारीक कटे हुए अखरोट, बारीक कटी हुई बादाम और इसको हम चलाएंगे। लो फ्लेम पे चलाएंगे इसको, आपको फ्लेम तेज नहीं करना है। लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसको पकाते रहिए। इस बात का आप ध्यान रखना कि जब भी आप साबूदाना की खीर बनाएं तो वो साबूदाना है ना उसको आप 12 घंटे लगभग पानी में भिगो के रखें। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए अब हमारी ये खीर साबूदाना की खीर बनकर तैयार हो गई है। मेवा डालने के बाद हमने इसको लगभग आधा मिनट पकाया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब ये पक जाए तो इस बर्तन को ढकना नहीं है, ढकने से क्या होता ही है ना फट जाता है। और ये हमारी तैयार हो गई है नवरात्रों के लिए स्पेशल साबूदाना की खीर। अब इसको हम टेस्ट करते हैं।
बहुत ही टेस्टी बनी है, बस थोड़ी सी गर्म है। इस बात का ध्यान रखें कि गर्म गर्म ना खाएं, थोड़ा ठंडा हो जाए तब खाएं।